ओम शांति। 12 अक्टूबर 75 अव्यक्तवाणी। कंप्लेंट समाप्त कर, कंप्लीट बनने की प्रेरणा। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाने वाले, सर्व संबंधों का अलौकिक अनुभव देने वाले, सर्व आत्माओं के हितकारी शिव बाबा वसों के प्रति बोले। बाप समान निराकारी, देह की स्मृति से न्यारे, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पार्ट देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है। सदा साक्षीपन की स्टेज स्मृति में रहती है। जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती, तो बाप दादा को अपना साथी भी नहीं बना सकते। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। अपने को खुदा दोस्त समझते होना, अर्थात अपने मन का मीत बाप दादा को बनाया है, दिल का दिलवाला बाप को ही बनाया है। एक दिलवाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प मात्र भी नहीं है, ऐसा अनुभव करते हो। अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों के सुख, सर्व संबंधों के प्रीति की प्राप्ति का अनुभव करते हो, तो और कहां भी किसी संबंध में बुद्धि जा नहीं सकती। हर श्वास हर संकल्प में सदा बाप के सर्व संबंधों में बुद्धि मगन रहनी चाहिए। कई बच्चों की कंप्लेंट है कि व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, बुद्धि बाप की तरफ लगती नहीं है। न चाहते हुए भी कहीं न कहीं बुद्धि का लगाव चला जाता है, वा स्थूल प्रवृत्ति की जिम्मेदारी बुद्धि को एकाग्र बनने नहीं देती। पुरानी दुनिया का संपर्क व वातावरण वृत्ति को चंचल बना देता है। जितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं, उतना कर नहीं पाते हैं। हाई जंप दे नहीं पाते। सारे दिन में इसी प्रकार की कंप्लेंट्स बाप दादा के पास बहुत आती है। मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाते हुए भी अपने ही स्वभाव संस्कार से मजबूर हो जाते हैं, तो बाप दादा को भी ऐसी बातें सुनते हुए मीठी हंसी भी आती है और रहम भी आता है। जब अपने स्वभाव संस्कार को मिटा नहीं सकते, तो सारे विश्व से तमोप्रधान आसुरी संस्कार मिटाने वाले कैसे बनेंगे? जो अपने ही संस्कारों के वश हो जाए, वह सर्व वशीभूत हुई आत्माओं को मुक्त कैसे कर सकेंगे? जो अपने ही संस्कारों जिसे स्वयं ही परेशान है, वह औरों की परेशानी कैसे मिटाएंगे? ऐसे संस्कारों से मुक्ति पाने की सरल युक्ति कौन सी है? कर्म में आने से पहले संस्कार संकल्प में आते हैं। यह कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए, यह क्या समझते हैं, मैं भी सब करना जानता हूं। इस रूप के संकल्पों में संस्कार उत्पन्न होते हैं। जब जानते हो कि इस समय संस्कार संकल्प रूप में अपना रूप दिखा रहे हैं, तो सदैव यह आदत डालो व अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि क्या यह संकल्प बाप समान है। जैसे कई बड़े आदमी होते हैं, वे जो कुछ भी स्वीकार करते हैं, तो पहले उस चीज की चेकिंग होती है। जैसे प्रेसिडेंट है या कोई भी विशेष व्यक्ति या बड़े बड़े राजा होते हैं, तो उनका हर भोजन पहले चेक होता है, फिर वे
स्वीकार करते हैं। उन्हें कोई भी वस्तु देंगे तो पहले उनकी चेकिंग होती है कि कहीं उसमें कुछ अशुद्धि या मिक्स तो नहीं है। वह बड़े आदमी आपके आगे क्या है? आपके राज्य में ये बड़े आदमी पाव भी नहीं रख सकते। अब भी आपके पाव पर पड़ने वाले हैं। जब राजाओं के भी राजा बनते हो और सृष्टि के बीच श्रेष्ठ आत्मा कहलाते हो, तो आप विशेष आत्माओं का यह संकल्प रूपी बुद्धि का जो भोजन है उसके लिए भी चेकिंग होनी चाहिए। जब बिना चेकिंग के स्वीकार करते हो तब धोखा खाते हो। तो हर संकल्प को पहले चेक करो, जैसे सोने को यंत्र द्वारा चेक करते हैं कि सच्चा है या मिक्स है, रियल है अथवा रोल्ड गोल्ड है। ऐसे ही यह चेक करो कि संकल्प बाप दादा समान है या नहीं। इस आधार से चेक करो, फिर वाणी और कर्म में लाओ। आधार को भूल जाते हो तब क्षुद्रपने के और विष के संस्कार मिक्स हो जाते हैं। जैसे भोजन में विष मिक्स हो जाए तो वह मूर्छित कर देता है, ऐसे ही संकल्प रूपी आहार व भोजन में पुराने क्षुद्रपन का विष मिक्स हो जाता है तो बाप की स्मृति और समर्थी स्वरूप से मूर्छित हो जाते हो। तो अपने को विशेष आत्माएं समझते हुए अपने आप का स्वयं ही चेकर बनो, समझा? विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अच्छा, यह हुई संस्कारों को मिटाने की युक्ति। अगर इस कार्य में सदा बिजी रहेंगे व सदा होली हंस स्वरूप में स्थित होंगे तो शुद्ध व अशुद्ध, शूद्रपन और ब्राह्मणपन को सहजी चेक कर सकेंगे और बुद्धि इसी कार्य में बिजी होने के कारण व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट से फ्री हो जाएगी। दूसरी बात, सारा दिन बाप के सर्व संबंधों का हर समय प्रमाण सुख नहीं ले पाते हो। जो गोपियों और पांडवों के चरित्र गाए हुए हैं, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना, वह अनुभव अभी किया नहीं है। बाप और शिक्षक इन विशेष संबंधों का सुख अनुभव करते हो, लेकिन सर्व संबंधों के सुखों की प्राप्ति का अनुभव कम करते हो। इसलिए जिन संबंधों के सुखों का अनुभव नहीं किया है, उन संबंधों में बुद्धि का लगाव जाता है और वह आत्मा का लगाव व बुद्धि की लगन विघ्न रूप बन जाती है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो। अगर इस समय बाप से सर्व संबंधों का सुख नहीं लिया है तो सर्व सुखों की प्राप्ति में, सर्व संबंधों की रसना लेने में कमी रह जाएगी। अभी अगर यह सुख नहीं लिया तो कब लेंगे? आत्माओं से सर्व संबंधों तो सारा कल्प अनुभव करेंगे, लेकिन बाप से सर्व संबंधों का अनुभव अभी नहीं किया तो कभी नहीं करेंगे। तो इन सर्व संबंधों के सुखों में सारा दिन रात अपने को बिजी रखो। इन सुखों में निरंतर रहने से और सर्व संबंध असार और नीरस अनुभव होंगे, इसलिए बुद्धि एक ठिकाने पर स्थित हो जाएगी और उसका भटकना बंद हो जाएगा और आप इन सुखों के झूले में सदा झूलते रहेंगे। ऐसी स्थिति बनाने से तीव्र पुरुषार्थी स्वतः और सहज बन जाएंगे। सर्व कंप्लेंट समाप्त हो कंप्लीट बन जाएंगे।
समझा अपनी कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्स। अच्छा, ऐसे सदा अतींद्रिय सुखों के झूले में झूलने वाले, सदा बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, सदा स्वयं को साक्षी और बाप को साथी समझने वाले, ऐसे खुदा दोस्त सदा खुदाई खिदमत में रहने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सुनने में खुश होते हो लेकिन निभाने में कहीं मजबूर हो जाते हो। जब सुनने में इतनी खुशी होती है तो स्वरूप बनने में कितनी खुशी होगी। इस समय सभी हर्षित मुख हो, ऐसे ही सदा हर्षित मुख रहो तो स्वयं का भी समय बचाएंगे और निमित्त बनी हुई आत्माओं का भी समय बचा लेंगे। अभी तक गिरने और चढ़ने में, स्वयं को संभालने में व बुद्धि को ठिकाने लगाने में 25% समय जो इसमें जाता है तो यह समय बच जाएगा और वह कमाई में जमा हो जाएगा। अब बचत करना सीखो, समझा।